हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें हमको मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन करना है। पहली बात, हमारा सैम्पल है यहाँ पर सलिसिलिक केसर, ठीक है। आज हम करेंगे, पता करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और हम इसका कैसे इसको डिटर्मिन करते हैं, ठीक है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसका पता करते हैं। तो टू डिटर्मिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सैम्पल सलिसिलिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड बिगिन्स टू चेंज इन टू लिक्विड स्टेट अंडर वन एटमोसफेयर प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे कि सॉलिड, जिसका हमको मेल्टिंग पॉइंट ढूंढना है, डिटर्मिन करना है, ठीक है, वो मेल्ट होना शुरू होता है, पिघलना स्टार्ट होता है, ठीक है। वो हमारा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा उस सॉलिड का, उस पर्टिकुलर सॉलिड का, और एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर है हमारा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर हुआ जिस पर सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विफाई होना स्टार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हुआ। अब हम इसको डिटर्मिन करने के लिए एक एपरेटस यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस, ठीक है। ये हमारा रहा मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इसका क्या क्या है। इसमें एपरेटस में एक होल है यहाँ पर, जिसमें कि थर्मामीटर है, ठीक है। उसके जस्ट आगे यहाँ पे जो इंसर्ट करनी है हमको कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब में हमारा जो भी सैम्पल होगा, ठीक है, ये सैम्पल है कैपिलरी ट्यूब के अंदर जिसका हमको मेल्टिंग पॉइंट पता करना है, ठीक है। तो ये सैम्पल यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद इसके सामने है यहाँ पे राउंड सर्कल में आपको आईपीस दिख रहा है, लेंस दिख रहा है, ठीक है। ये लेंस जहाँ से हमें नेकेड आई से देखेंगे, और नीचे से हमको ये कैपिलरी ट्यूब नज़र आएगी, ठीक है। जैसे ही सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू होगा, वैसे ही हमको थर्मामीटर पे उसका टेम्परेचर देखना है कि किस टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट है, और वो हम टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उस पर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो उसका सब्सटेंस का। यहाँ पे जो सब्सटेंस है, जो सॉलिड मटेरियल है, वो है सलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसमें हमने एक टेबल बनाई है, सीरियल नंबर पहला, नेम ऑफ द केमिकल सलिसिलिक एसिड, ठीक है, जिसमें पहली पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ओएच ग्रुप है। T1 और T2 दो टेम्परेचर हम नोट डाउन करेंगे, पहला टेम्परेचर जिस पे मेल्टिंग स्टार्ट जस्ट स्टार्ट होगी, और दूसरा जिस पे पूरा का पूरा सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया होगा, ठीक है। फिर हम उन दोनों टेम्परेचर्स का एवरेज निकाल लेंगे, और हमको पता चलता है कि सलिसिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका रेंज है 157 टू 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो लाइक दिस वी विल बी एबल टू डिटर्मिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सैम्पल विच इज़ सलिसिलिक एसिड।